हमारा रोजगार, हमारा रोजगार ऑक्शन छे धोखबाजी ली कसूर न होर वार चलनस न योर वार चलनस युगो न होर वार चलनस न योर वार चलनस युगो अन लूट बाबा रब आठ कोई आठ कोई आठ हमारे साथ, हमारे साथ जरूरत है तारो फस्ता सार नहीं हुआ मगर अफसोस तो ऐसे गई थी ना इंसाफी पत्मी लट के आज के हर कुछ बात मगर ये प्रोटेस्ट से तैयार नहीं कहीं आशु क्या बुखोत से तो ऐसा ऐसा बुआ रिक्वेस्ट करने चीज करी थी खत्म तो बकर पंजस गवर्नर सो बस के मुताल बे खबर मीडिया अच्छा जो और क्या आमुद बुजुर्ग मजाद हुसैन बेग चुवाना अगर न दहन दोहन माज यह मांग पूरी गई कहीं हम गवर्नर हाउस के सामने धरना पर बैठे मिर्जा सज्जाद हुसैन पी एच पी एस महराजुद्दीन गनाई मैं हुकूमत बाला से अपील करना चाहता हूँ जो कि हमारी कावरी के जो कि हमारी कावरी यहाँ पर बंद हुए हैं इसके बारे में कहना चाहता हूँ कि हमारा जो भी रोज़गार है खरीव से लेकर वयन तक सब कारोबार बंद पड़ा है जो कि सारा दारमदार इन्हीं कावरी पर मुश्तमिल है ये जो कावरी बंद हुए हैं इनसे हमारे क्रशर्स हमारे टिपर्स हमारे वर्कशॉप्स हमारे टायर की दुकानें हमारे पेट्रोल पंप्स हमारा सारा रोज़गार बंद पड़ा है इन इस सब से सभी रोज़गार का दारमदार इन्हीं कवरेज के देख लीजिए इन्होंने इनसे हमने ये पहले भी हमारे पास आए थे हमने इससे पहले भी गवर्नर साहब से रिक्वेस्ट किया था तो उस टाइम इनका मसला हल हो गया किन वजूहतों से ये फिर से बंद हो गया मुझे ये नहीं पता है बट कुछ दिन पहले हमारे पास आए थे हमने गवर्नर साहब के पास इनकी फाइल रख दी है और जल्द से जल्द वो इस ये इसको वो ख़त्म कर देगा इस मसले को उसने हमें पूरा आश्वासन दिया है इसलिए मैं आज यहाँ पर आया हूँ कि क्योंकि मैंने सुना कि यहाँ पर आज उन्होंने प्रोटेस्ट रखा है मैंने उनसे रिक्वेस्ट की आप ये प्रोटेस्ट बंद कीजिए इंशाल्लाह रहमत 10 दिन में हम इस मसले को हल करेंगे आपके साथ हम लोग हैं इसमें कोई सियासत नहीं है और जेडीयू का पूरा टीम इनके साथ है इंशाल्लाह हम खड़े हैं इनके साथ सियासत के बगैर मैं कहता हूँ इन लोगों को भी ये आप ख़त्म कीजिए हड़ताल इंशाल्लाह रहमान कल परसों तक आपका मसला हल हो जाएगा आप इस हड़ताल को ख़त्म कीजिए ताकि सरकार ने जो हमें टाइम मांगा है उसके लिए हम उनको टाइम देंगे अगर सरकार हमारी मांगे ये पूरी नहीं करते तो अगला जो 10 दिन मैंने इनका टाइम दे दिया 10 दिन के बाद हम गवर्नर हाउस के सामने जाएंगे इनके साथ हम कोई लाइन अड हाथ में नहीं लेंगे हम वहाँ पर बैठेंगे चाहे वो मार दे चाहे वो रख दे क्योंकि ये लोग काम करना चाहते हैं ये लोग कोई नाजायज़ मांग तो मांग नहीं रहे हैं ये जायज मांग रहे इनका जो ये मसला है इसको हल कर दीजिए मैं सरकार से रिक्वेस्ट करता हूं अपने गवर्नर साहब से एलजी साहब से उस भले आदमी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जल्द से जल्द इन मांगों को आप पूरा कीजिए जो इनकी जायज मांगे है और इंशाल्लाह हमें ये भरोसा है जल्द से जल्द